हाँ क्या भाई, फोन क्यों कट कर दिए? वो मैं बताता हूँ, वो सारी रिकॉर्डिंग्स के लिए, वो एक रिकॉर्ड हो गया अबू सुफियान अल्लाह के रसूल का हाँ चाचा सही, उसकी बोल। जुमलेबाजी नहीं चलती ना हमारे सामने। अबे रुको, अभी रुको, तुमने जो फॉर्मूला अपना फॉर्मूला हम अभी आपको बताते हैं। अब सुनो, अब क्या इस सुनना है? बदमाश के बारे में सुनो जो तुम माविया को साबी कहते हो। हदीस सुनो, अरे मैं इसके लिए सुनने के लिए फोन नहीं किया तुम तो। हदीस सुनो भाई, अरे पहले मैं हदीस ये सुनो। बदमाशियां मत ओए बताओ, जब मैं ओए, बदमाशियां बताऊंगा ना तो फिर तुम फोन कट करके भाग जाओगे। किसकी बदमाशियां? जब तुम्हारी बदमाशियां बताऊंगा ना मैं, अरे तो मैं तो तुम फोन एक कट नंबर, करके मेरा भाग छोड़ दे, जाओगे। मेरा छोड़, मैं लेकिन यहाँ पे तुम पहले माविया जिस की बात हदीस कर से रहा हूँ। भागे हो, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसपे तुम दुम दबा के भाग रहे हो, उस पे बात क्यों कौन नहीं कर सी रहे? से, कौन कि सी से हजरत भागा? अब्बास रजी अल्लाह अरे अनु उसका ने हजरत चाचा है ओ अली, भैया, हाँ तो क्या, ओ हाँ तो अरे चाचा, अब्बास के क्यों कहने से अली झूठा हो जाएगा? अबे नहीं शर्म मान? कर, तू तो फिर शर्म कर, किसी सहाबी के कहने अली से से हजरत अली माविया कैसे झूठा हो जुड़ गलत जाएगा हो जिसके जाएंगे? बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा मन कुन तो मौला फाली उन मौला। अरे तो भाई ये तो हमारा उसूल ही नहीं है ना, ये तो तुम्हारा उसूल है कि शर्म कर तुम यार, अली जाहिरी रिवायत अली को देखकर झूठा कह दिया तूने, जब तेरी शर्म, तुमने, तू शर्म कर, हमने तो तोबा कहे कर। नहीं, हमने तो अहले कहे बैत नहीं, को तू, अहले हमने बैत तो को तू कहे झूठा नहीं, ये तो कहता तुम है, कह रहे हो। अहले बैत को झूठा जैसे कहता है तुम तू। सहाबा पर तान करते हो, ये रिवायत देखने के बाद अहले बैत पे क्यों नहीं करते? हमारा साहबी सवाल कौन है, है, नाम तो बता मुझे, किस साहबी सब के बारे में? साहबी है माविया जिसने साहबी अल्लाह नहीं के है नबी, बिल्कुल साहबी है, सीधा जो ठोक अरे कर सुन, वो बागी है, बागी सहाबी है, बागी, बागी 28-12 जो, बागी, अरे माविया बागी इमाम जमात हम्बल, को। इमाम हम्बल क्या कहते हैं, और इमाम एक अबू जरा के जो अहले अरे ये शाम जो बागी अल्लाह के रसूल की कहे बात वो बता, तवायफ ओ की भाई, औलाद है, ओ भाई वो अल्लाह के रसूल इमाम की क्या बात बता, कहते इमाम हैं कि नहीं जो ऐसे अहले नहीं। शाम को बागी कहे वो तवायफ की औलाद है। अबे यार तू अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, तू अल्लाह के रसूल को अल्लाह क्या के कहेगा? नबी ने कब कहा बागी? जाहिल नाऊज आदमी, बिल्लाह, अल्लाह नबी रसूल की ने तरफ क्या कहा? झूठ सुन मंसूब, सुन नबी की तरफ झूठ सुनने मंसूब, पहले तेरा भाई हदीस ठिकाना सुन, जहन्नम में जाएगा तेरा तेरा ठिकाना तोबा पता नहीं कर। अल्लाह जो जाने। तुम अहले बैत के सुन नहीं, मुस्ताक ऐसे हो, तो फोन यानी पे डिस्कस बागियों की होगी। बैत हजरत हसन ने की, अरे नऊज़ु बिल्लाह, तू बोलता है कि डर तौबा गया, मोहसिन बिन मोहम्मद डरता है, तौबा। अल्लाह के अलावा तेरे जैसे नहीं किसी तुमने जानवर से नहीं मतलब डरता यार। हजरत हसन पर गुस्ताखी का बोहतान बांध दिए कि उन्होंने अरे बागियों की हजरत बैत कर ली, हसन ने बागियों जो को खलीफा किया मान सुन लिया। लो, अबे सुन पहले बात सुन पूरी अच्छी तरह अबे बात से सुन। बात मैं मत कर साले, अबे से बात मत कर, नहीं तो फिर मैं हंसूंगा। अबे तो लुगाई है तो हंस ले। अबे हाँ तो तू तू क्या, वो है कि मेरे हंसने पे तेरे को मिर्ची लगती है? अबे है कहाँ तू, ये बता, मिल के अबे बात मैं करते हैं बुरहानपुर में लाइव हूँ, है? बुरहानपुर में हूँ, कहाँ है ये? हाँ मध्य प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश में है, चल तेरी अच्छी किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मुलाकात करता थे से, और उधर भी कभी अल्लाह ने चाहे मौका मिल जाए, हाँ ऐसा तो नहीं मैं हुआ। आऊंगा ना जोधपुर, टेंशन क्यों ले आ रहा? जा अल्लाह के बंदे, बात कर हाँ अगर टेंशन सही क्यों ले रहा, तरीके मैं में से। जोधपुर आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा तू? अरे भाई हाँ, अदब से बात करेंगे, आप बात नहीं करो। अभी धमकी वाले अंदाज में बात करेगा तो धमकी से बात करेंगे, अदब में करेगा अदब से करेंगे, टिट अरे फॉर नहीं टैट। यार, अरे अरे ये तू छोड़ जोधपुर भी दे, आऊंगा, टेंशन मत ले। पहली आ जा रिकॉर्डिंग में जोधपुर। अदब से बात किया था, अदब से। अगर तू समझा के तू मेरे से चढ़ के बात करेगा तो मैं तेरे से चढ़ के बात करूंगा। अरे क्या चढ़ रहे तू, क्या ये फोन पे नहीं होता चढ़ना, ये तो सामने होता मैं है, ये, हाँ ये सब सामने भी दिखा देंगे। सामने छोड़ दे, इसको छोड़ दे, तू मैं दिल इल्म आऊंगा की बात क्यों नहीं जोधपुर, अब करता है? बोल, मैं जोधपुर अम्मार आऊंगा, को देखेंगे बागी कौन किस जमात पे चढ़ता कतल है। करेगी, अम्मार हाँ को बिल्कुल बागी जमात बिल्कुल सही कतल बात है, करेगी। बिल्कुल सही बात है, 28-12 कौन था वो बागी जमात? वो ही हजरत उस्मान को शहीद करने वाला बागी गिरोह जो हजरत अली के गिरोह में छुपा हुआ था। अच्छा ठीक है, अबुल गादिया कौन था? कौन अबुल गादिया? अच्छा ये इसके अरे तुम्हारे हजरत ये, उस्मान को किसने शहीद किया था? बागी गिरोह ने अरे किया था तेरा ना, वो बागी बागी नहीं गिरोह है किधर था? माविया, तेरा बागी माविया अरे के टीम का हजरत आदमी था। उस्मान को जिसने शहीद किया था वो बागी गिरोह कहाँ है? अच्छा वो बागी था कि नहीं? उसे बागी अच्छा ये बोलोगे? बता मेरी बात सुन। पहले जवाब दो, हजरत हाँ उस्मान को शहीद करने वाले गिरोह को बागी बोलोगे कि नहीं? वो तो बदमाश गिरोह है, है बदमाश ना, वो बदमाश, किधर थे, वो किसके गिरोह में छुपे थे? हजरत पता नहीं किसके गिरोह में थे। अली के, अब एड़े कैसे बंद रहो भाई? साबित कर दे, साबित कर है दे, साबित किस बात पर झगड़ा हुआ हजरत माविया का? हजरत किसे, आयशा लश्कर लेके पहुंच गई किस बात पर? कि किस भाई बात पर? जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया आपके लश्कर में, उनसे किसास लो, अच्छा आपकी बैत में आप उनसे किसास लो, और तुम एड़े अच्छा बंद ठीक रहे यार। है, तारीख की बात को मतलब इतनी ठीक मुस्तनद ठीक बातों को तुम ठीक झुटला दे रहे हो। ठीक 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 खैर फिर तुम अली ने अल्लाह के क्या नबी की कहा, बात को अली झुटला ने देते क्या हो। कहा, अली ने क्या कहा? हाँ लेंगे बदला, हाँ लेंगे बदला। फिर उन्होंने बदमाशी क्यों की, सामने बहस क्यों की किसने? अली वो से? बस इस बात पे था कि अब भी लो बोले, नहीं बाद में नहीं लेंगे। नहीं 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 दोनों के यार, रसूल ने इश्तेहाद क्या है, कहा, रसूल दोनों ने के क्या कहा इश्तेहाद भाई? है भाई, अल्लाह का। अली देखो देखो सुनोगे अल्लाह के नबी के भाई? जमाने में क्या हुआ, अब पहले हदीस सुनो। अल्लाह हाँ के नबी बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सुलह हुदैबिया का वाकया नहीं है कि अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को सफीर बना के मक्का में भेजा जाओ, तो एक अफवाह उड़ा दिया कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। इस अफवाह पर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान की कि हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेंगे। वो नबी ने अपने दामाद की सिर्फ अफवाह पर बैत का यानी
उनका किसास लेने का और उनका बदला लेने की बात की। वो किससे थी? वही सब सहाबा थे इकराम। किसास किससे ली थी ये मालूम है आपको? अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं तो सुन ली ना, मैं ये कह रहा हूँ अफवाह पर हजरत उस्मान के किसास कत्ल यानी शहादत का किसास लेने पे बैत की, तो जब उनको शहीद ही कर दिया जाएगा तो सहाबा क्यों नहीं खड़े होंगे? अच्छा ये तो एन सुन्नत है हजरत आयशा की, एन सुन्नत हजरत माविया की, इसका इंकार हजरत अली भी नहीं कर सकते। आयशा की सुन्नत है? अरे ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अरे सुनो मेरे भाई, इसका इंकार हजरत अली अहले बैत भी नहीं कर सकते। अच्छा जो इंकार करेगा वो नबी की सुन्नत का मुनकर होगा। बस झगड़ा में इख्तलाफ ये था कि वो किसास जल्दी लिया जाए या थोड़ी ढील दे दी जाए, बस। बाकी इस मसले में अहले बैत हजरत उस्मान अपने बनु उमैया हजरत आयशा सब मुत्तफिक है, अहले सुन्नत मुत्तफिक है। क्या मुत्तफिक? अव्वल और आखिर के भाई अब भी लिया जाए सडनली, और वो हजरत अली कह रहे थोड़ी उस हुकूमत को स्टेबल होने दो। अब मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, पहले सुनो सुनो सुनो, अब मुझे सुनो। इतनी देर आपने बोल लिया, मैं नहीं बोला, अब सुनो। ये बताओ उस वक्त खलीफा कौन था? इस वक्त, उस वक्त जिस वक्त ये हुआ, किस वक्त क्या बोलो पूरी बात? ये तो जो बोलो। ये जो आप बता रहे हो उस्मान के बाद खलीफा कौन थे? हजरत अली। अब बताओ अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाना? हाँ बिल्कुल सही बात है। और बिदत से बचना? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ किसकी बात माननी चाहिए? किसकी किसकी तो बात माननी चाहिए? किसने नहीं माना? माना कहा है, झगड़ा किया, पांच साल झगड़ा किया इस आदमी ने। भाई हजरत मौलवी का क्या कॉल था? हजरत मौलवी का नहीं, आपके साथ ले लो, सबसे पहले मैं आपकी बैत करूंगा। हजरत मौलवी ने कभी बैत का इनकार किया ही नहीं, खलीफा होने का इनकार किया ही नहीं था। खलीफा वो तो खलीफा ही नहीं मानता था। खलीफा जब बोल रहे हैं कि आप किसास लोगे सबसे पहले मैं बैत करूंगा, तो अच्छा अली ने नाजला क्यों पड़ी इस पे? नाजला क्यों पड़ी मौलवी पे इस पे? नाऊजु बिल्लाह, झूठ बात है ये सब। हदीस दे दी तो ये सारी झूठी रिवायतें हैं। उन्होंने बुरा भला कहा, उन्होंने इनको बुरा भला कहा। नहीं भाई देखो, हमने इसीलिए आपको रिवायत भेजे थे कि अगर किसी ने किसी को बुरा भला कह दिया, रिवायत साबित भी हो जाती है, तो अगर आप यहाँ हुक्म लगाओगे तो हजरत अब्बास की रिवायत पे भी आपको हुक्म लगाना पड़ेगा। हमारा यही मुतालबा है शुरू से, आप उसी से भाग रहे हो। किस पे? कि भाई हजरत अब्बास ने तो हजरत अली के ताल्लुक से जुमले अदा किए, आप वहां क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं यहाँ तो अली ने इस पे लानत ये उसूल ये मना जो सलफ नहीं है। ये सलफ बीच में मतलब कौन सा सलफ नहीं, ये ही मनहज मतलूब है अल्लाह ताला को। इसके सिवा अल्लाह ताला जहन्नम में उठा के डालेगा। इसमें किसको? जो भी मनहज सलफ को छोड़कर अमल करेगा। ये कौन सी हदीस में सलफ का मनहज किया? सलफ का मनहज कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? युशा कि रसूल मिन बादि मा तबयन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नमा वसअत मसीरा। राय रिटायरने के बाद जो नबी की राह और मोमिनीन मोमिनीन सहाबा। मुझे ये आयत पूरी धीमे-धीमे में पढ़ो, देखो स्टाइल करते हैं आप। ये तो जो आपके उस्ताद पढ़ाते हैं, सुनो आप वापस पढ़ो आयत तर्जुमे हिंदी में पढ़ो। वमई युशा हिंदी में पढ़ो, हिंदी में तर्जुमा ही कर रहा हूँ ना, कि राह हिदायत आने के बाद जो नबी की राह और मोमिनीन एक मिनट यार रोकता हूँ आपको। नबी की राह, अच्छा मुझे बता भाई, नबी की राह अलग होती है, मोमिनों का राह अलग होता है? हाँ फर्क है उसमें, फर्क है। हाँ नबी की राह जो है वो किताब सुन्नत है। नबी की राह जो है किताब सुन्नत है। मोमिन नबी की राह नहीं पकड़ते। मोमिन की राह मोमिन की समझ है। ये रिकॉर्डिंग तेरे पास है, वो चुकी है भाई। मेरा खिताब है इस पे तेरा। अरे तेरा बेशुमार खिताब है, हर हफ्ते दो तीन दिन में खिताब देता हूँ। अरे मोमिन की राह से मुराद किताब सुन्नत को मोमिनीन ने जैसे समझा है, उनकी समझ को हमें उज्जत बनाना है। दलील किताब सुन्नत कौन सी समझ? जो सहाबा की समझ। सहाबा को समझ में नहीं आई बहुत सारी चीजें। पर ईमान लाओ सहाबा की तरह, अगर अभी तो आप ला रहे थे समझ, अब लाए आप ईमान। समझ, अब समझ गए। मुराद किताब सुन्नत है, मोमिनीन की राह से मुराद किताब सुन्नत को समझना है भाई। है फहम है तो वो सहाबा का फहम है। आपका फहम नहीं है, मेरा फहम नहीं है। किसी का फहम नहीं चलेगा। हाँ बताओ दलील दो। फहम ही नहीं, अल्लाह दलील दो। मैंने तो दलील दिया कुरान से, मैंने दलील दिया, तुम किताब सुन्नत से एक दलील दे दो। ले दे रहा हूँ, अरे सुन तो ले ले भाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, किताब मजबूती से पकड़े रहना। बिल्कुल सही बात है,
कोई फैम कोई बैम अरे कुछ फैम तो अल्लाह ताला बयान कर रहा है ना यहाँ क्या बता रहा है والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان अच्छा ये आयत लाओ والسابقون और اولون انصار और مهاجرين सबकत ले जाने वाले कामयाब हो गए जो उनके नक्शे कदम पर चला अल्लाह ताला उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी ठीक है उनके तरीके उनकी समझ फहम को छोड़ा जिसने वो जहन्नम में जाने वाला है नहीं 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 एक फिर आपने बात करते दलील दो समझ बताओ समझ क्या लिखी हुई है हमने दलील दिए अरे यार बात आप दलील दो ऐसे बहस करने से काम नहीं नहीं बहुत अच्छी बहस हो रही है अरे जो भी सुनेगा वो भी इंशाल्लाह सीखेगा और आपके सपोर्ट वाले भी आपकी कमजोरी को जानेंगे कि आपको फहम नहीं समझता आपको कुरान की आयत नहीं समझती ये अल्लाह की पना अब सुन अब बोलो पहले बोलिए अब मेरी पूरी तुमने तर्जुमा ही नहीं होने दिया था आयत का आपका तर्जुमा हो चुका है मैं उसका तर्जुमा नहीं, आपको बोल रहे हो आयत क्या है कि जो मोमिनीन की राह छोड़ेगा जिस तरफ चलेगा उस तरफ चले आएंगे आपने दो तीन आयतें एक साथ डाल दिए अब एक आयत डालो सबसे पहले मैं कहता हूं जो हमारा सवाल सुनो सुनो हमारा सवाल कि अल्लाह ताला ने कहा कि नबी की राह और मोमिनीन की राह है ना तो नहीं, नबी की राह कौन सी और मोमिनीन की राह कौन सी आप बताओ एक ही राह है जो रसूल तो बताओ ना अल्लाह ताला तो सुन भाई मुझे पूछ रहे तो सुन तो सही हाँ सुनो सुनने में सुन लिया अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने फरमाया यहाँ पे जो नबी का मुखालिफत करे नबी की हेलो हाँ हाँ बोलिए ना सुन नबी की मुखालिफत करे और मोमिनों के रास्ते को छोड़े तो मोमिन का रास्ता कभी मुखालिफत नबी नहीं हो सकता आगे समझ में समझ से थोड़ी समझूंगा तो भाई किसके समझ समझ लिया? तो हाँ किसी की समझ नहीं चलेगी सीधे सीधे आए थे भाई आजा तुम्हारे तुमने ये भी साबित किया कि तीन रस्ते इस्लाम के कि ये मेरी और मेरे सहाबा की सीधी लाइन है इसके सिवा जिस भी पगडंडी पे चलोगे तो मैं अल्लाह की राह से बेरहा कर देगी नहीं 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 ये मेरा नहीं कोई सहाबा का नाम नहीं लिया भाई हेलो हेलो नबी ने दीन किसको समझाया सहाबा को नबी से दीन कौन समझा सहाबा आइम्मा दीन किससे समझते हैं सहाबा समझ रहे टीचर नहीं 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 हमारा चैलेंज सुनो मनहज सलफ को हटाकर किताब सुन्नत से एक दलील नहीं दे सकते तुम कि मनहज सलफ के खिलाफ कोई दलील मैं बोल मुझे ऐसी कोई आयत दे दे जो मैं नहीं बता पाऊंगा बता हाँ तो मनहज सलफ के खिलाफ कोई दलील दे दो मैं तो बिना मदद के ले दूंगा बिना मदद के दूंगा इंशाल्लाह नहीं कोई मदद किताब सुन्नत से एक आयत दे दे मुझको ओ भाई एक आयत दे दे जिसमें ये कहा है कि तेरे बताया तू अभी तो दिया आयत अच्छा मुझे बताओ अब मैं एक आयत देता हूँ तुम्हें चैलेंज फॉर यू सुनो एक आयत उतरी कि जिसमें अल्लाह ने कहा सहरी के बारे में जिसकी नीला नीली धागा सफेद धागे पे ठीक है हाँ क्या है बताओ तुम आपके साहबा क्या समझे इसमें अरे साहबा की समझ तो इज्जत नहीं है तो तुम क्यों ला रहे हो साहबा की समझ अब तुम बताओ अब बताओ तुम मैं तुम्हें कह रहा हूँ बात तो वही आई ना साहबा की समझ बात तो सुन ले पहले पूरी फिर वही यार दांत बात भाई बेवकूफ है तुम भी हंस सकते हो मैं इजाजत देते हैं तुम्हें अगर हम बेवकूफी करें तो हम है ना हमें ये बातों में ये हंसना ये काम आपने नहीं हंसना हराम नहीं है जब बात चल रही है सीरियस अल्लाह भी मुस्कुराता है नबी भी मुस्कुराता है दीन की बात में कोई बेवकूफी की आवाज नहीं आती है चाचा मुस्कुराने की आवाज नहीं आती है नहीं आती है बिल्कुल आती बताओ आती है अरे तू धारेगा ही नहीं अब ये बता देखो एक रिवायत पेश करता हूँ तुम्हें मैं पहले जो रिवायत सुन लो क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है क्या आपके पास दुरूद शरीफ हाँ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दो अरे यार फिर कुरान की आयत है ना अल्लाह उसका फरिश्ते अंबिया पर दुरूद भेजते हैं तुम्हें मालूम चलेगा बहुत रिकॉर्डिंग करते हो लोगों ने नबिया अय्युहल्लदीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा ये हदीस दे रहा हूँ आपको एक आयत उतरी फिर अपनी बहस अलग हट जाएगी ना अपन उस पर बात नहीं नहीं वही चल रहे हैं बीच में डाल दिया ये वाक्य सुन लो वो थोड़े चेले चपटे में लेंगे अरे ये हमको मालूम है वो तुम्हारे चेले हुए ऑडियो आ गई मेरे पास ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियो आ गई है टेंशन मत लो से बात करना अच्छा मेरे जोधपुर वाले तेरे टच में है क्या मेरे भी खास आदमी चला है मेरे पास जोधपुर वाले नहीं मैं 10 साल से जोधपुर वालों के टच में हूँ बहुत बढ़िया हाँ अभी तो अल्लाह के नबी जब इनकी ये कुरान खत्म दुआ तो बंद करा दे यार ये बिदत तो बंद करा दे इनकी अल्लाह देखो नहीं है बिदत नहीं है तो साबित बता अभी हाँ फिर बाद में बहस करेंगे ना बाद हमारी टर्न हो जाएगी ना ठीक ठीक बता तो रसूल साबित है ये पूछ रहा हूँ रसूल साबित है शॉर्ट कर रहा हूँ
ये बात पे बहस करेंगे ना अपन। नहीं एक लाइन में जवाब चाहिए, बीच बीच रिकॉर्डिंग में आ जाए ना, और भी लोग समझ जाएंगे। नहीं क्या अब की शाया मैं करने वाला हूँ ये रिकॉर्डिंग, इसलिए अब बताओ ये अल्लाह के रसूल से साबित है ये दुआ? नहीं, कोई चीज अल्लाह के नबी से साबित नहीं हो तो इसका मतलब नहीं होता ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब बिदअत। अब आगे चलो, इसका मतलब भी अरे इसको छोड़ दे, अब इसको भूल जाए, हरगिज नहीं होता। जिस चीज की बुनियाद अल्लाह के नबी ने रख दिए हैं मस्जिद बनाने की, अब कोई मस्जिद को डेकोरेट करे तो बिदअत नहीं होगा। दुरूद का हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया, हाँ, तो दुरूद का छोटा और बड़ा करना बिदअत नहीं होगा, समझ में? छोटा दुरूद कहाँ से लाया? हाँ, वो सब बाद में बात करेंगे ना, फिर तो क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे हो हमारी दलील वाली बात को। पेश करो मैं करता हूँ। क्या हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और सबसे बैत ले रहे थे, तो उसमें बैत लेने वालों में हजरत हिंदा रजी अल्लाह अनहा भी आई, और हजरत उमर हजरत अल्लाह के नबी सल्लम के पास, यानी अल्लाह के नबी ऊपर बैठे थे, हजरत उमर नीचे बैठे थे, तो अल्लाह के नबी सबसे बैत ले रहे थे, तो हजरत हिंदा भी वहां मौजूद थी। तो हजरत हिंदा जब सामने आई तो अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि तुम वादा करो कि, यानी वो बहुत हासिल जवाब थी, बहुत समझदार थी और हासिल जवाबी भी बहुत थी, तो उनसे बहुत सारे वादे लिए। समझदार तो कहीं थी यार वो, उनकी फजीलत बहुत है। वो रिवायत झूठी है, कच्चा चाचा चबालिया है, नबी की चाचा की गुस्ताखी है। तुम हर जगह गुस्ताखी करते हो नबी के रिश्तेदारों की, ऐसा बोलने ही गुस्ताखी है। अच्छा, अमजा को किसने भेजा था? अमजा के कत्ल करने वाले को किसने भेजा था? शहीद होने तक बात दुरुस्त है, उनका कलेजा चबाना ये उनकी तौहीन है। भेजा तो कहाँ? भेजा ना, किसने भेजा था? नबी की चाचा की तौहीन कर रहे हो तुम यहाँ पर भी। खैर चलो, भेजा किसने था? भेजा किसने था? मुझे इसका जवाब चाहिए। खैरुल कलाम में कल्ला व दल्ला, बेहतरीन बात मुख्तसर। इतनी फैलाते क्यों बात को? नहीं, भेजा किसने था? जैसे इस पॉइंट पे भी बाद में बात कर लेंगे ना। चलो अच्छी बात हो रही है ना। तो जब अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वादा करो कि तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जवाब दिया कि हम क्या करेंगे, सब कुछ आपने मार दिया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हों इतनी जोर से हंसे कि हंसते हंसते चित लेट गए। अल्लाह के नबी ने कहा, ए उमर, ये हराम है, हंसो मत। या हजरत ने बुरा मानी? मैंने हराम चित लेट गए। बुरा क्यों मान रहे थे भाई? हलाल चीज को बुरा मानते नहीं। देखो सीरियस, तुमने कहा हंसना हराम नहीं है, हलाल है। बात सुनो, आज अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपन दीन की डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप ये बीच में खलखल कर रहे हो, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, एक अच्छी टॉक नहीं है। आप बात कीजिए अच्छे अंदाज से। अगर मेरे पास हदीस नहीं है, बरेलवियों को बयान नहीं देंगे? वो तो बयान देते देते कितना हंसते हंसाते हैं। कौन? बरेलवियों के देखे नहीं वो? अरे यार तुम बरेलवी, मुझे यार बरेलवी देख, छोटे शिया है ना वो? बरेलवी मिनी शिया है, तुम बड़े शिया हो। चल जो भी तेरे को बोलना वो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई तुम्हारे तुम्हारे शिया आलिम ने क्या कहा कि बरेलवियों के 90% अकाइद शियों से मिलते हैं, तो मिनी बस और लग्जरी बस है ना। अच्छा लो यार भाई, तू कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के मनाज सलफ के खिलाफ किताब सुन्नत में एक दलील नहीं है। मैं दे रहा हूँ ना तेरे को भाई, तो हाँ ऐसा सुनो, मुझसे भी सुनो। जब भी दलील कुरान और हदीस है, कुरान की आयत और हदीस की बात को समझना कैसे? सारी अकलें दुनिया में अल्लाह ताला ने अरबों खरबों के लिए भी अल्लाह के रसूल ने समझा के गए। हाँ तो अल्लाह के रसूल ने खुद समझा दिया, किसी से समझने की जरूरत नहीं हमें। नहीं नहीं सुनो, मैं दलील दे रहा हूँ आपको। झूठ बोल रहे हो आप, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अभी आपने हदीस बयान किए थे। क्या बयान किए थे? क्या किया? मेरे और मेरे खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत। तो खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत अलग होती है क्या? अब यहाँ सुन लो आप, इसके लिए ये सुन्नत से मुराद क्या है? ओ भाई सुन ले, खुल्फाए राशिदीन तो मैं नहीं, माविया है। इस हदीस का इंकार माविया है। अरे भाई यहाँ फहम की बात चल रही, समझ की बात चल रही। आपने हदीस को पेश किया, आप नहीं समझे। आपने हदीस पेश किया था ना कि मेरे खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत, तो यहाँ इससे मुराद क्या है? क्या है? क्या है बताओ ना आप? समझ है? कोई समझ नहीं है, सुन लो पहली बात। हाँ समझिए तो क्या है? सुनो सुनो भाई, सुन लो भैया सुन लो। हाँ बताओ। परसों जब आप मुझसे बात कर रहे थे, मैं ड्राइविंग पे हाईवे पे था और कार चला रहा था, इसलिए आप मुझसे थोड़ा लंबा टॉक नहीं कर पाए। अब आप ये बताओ, जो अपन बात कर रहे हैं अब बिल्कुल सुकून से कर रहे हैं, अभी अपन जिस पे डिस्कस थे, क्या चल रहा था बताओ? किस डिस्कस पे चल रहा था लास्ट पॉइंट? साहबा का फहम, समझ फहम। अदी बिन हातिम जब एक आयत उतरी, अब देखो साहबा समझ में नहीं आ रहा इस्लाम क्या है, सुन लो इस हदीस से। तो वो जो रात की धारी धारी सफेद धारी इस तरह की आयत उतरी, तो और दो धागे लेके रात को, काला धागा और सफेद धागा रात को लेके सो गए,
और रात को जब देखा तो धागे पे पास करते रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। रात को रसूल्लाह को सुबह रसूल्लाह को कहा अल्लाह के रसूल मैं धागा काला और सफेद धागा लेके बैठ गया सो गया और लेकिन समझ में नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ए अदी यहाँ पे ये मुराद नहीं, यहाँ पे वो आसमान की काली धारी सफेद धारी पे। बिल्कुल सही बात। साहबा को तो समझाया गया भाई। हाँ तो समझाया ना नबी दाई की समझ की, उनकी समझ की नबी दाई की ना, तुम ये जो समझ रहे हो गलत है, ये समझ सही तो है। तो किसकी तो समझाया किसने, किसकी हुई समझाया किसने, नबी ने समझाया ना, रसूलुल्लाह ने। हाँ तो हम मना कर रहे हैं, अरे हम तो मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अरे हमने एक आयत भाई, हमने कहीं मना किया कि अल्लाह के अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं समझाया साहबा को? अच्छा एक आयत और सुनो, बोल रहे हैं कि किसी आयत की अरे मैं तुम्हें वो आयत दे रहा हूं, इकराम करे तो उनकी समझ ली जाएगी ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं आपको और वो आयत दे रहा हूँ जिसमें साहबा को समझ में ही नहीं आया। तो मैं भी समझ में नहीं आया, मैं भी दे दूंगा हदीस से। बताओ अहले बैत की समझ को इज्जत नहीं मानोगे? सही बुखारी की रिवायत है। वापस बोलना कि अल्लाह के समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी आए हजरत फातिमा को तहज्जुद के लिए उठाने के लिए। हाँ हजरत अली भी सो रहे, हजरत फातिमा भी सो रहे, ठीक है। अल्लाह के नबी ने उठाया तो हजरत अली ने क्या कहा? अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम को उठा देता, हम उठ जाते। अब ये कितनी खतरनाक बात है कि अल्लाह के नबी इतना नाराज हुए कि अपनी रान पर गुस्से में हाथ मारा और वो आयत पड़ी जो काफिरों के लिए नाज़िल हुई। हाँ हदीस में गुस्से का वर्ड है। हाँ रान पर हाथ मारा। अभी हदीस नंबर दे सकते हो? मेरे पास किताबें रखी हुई, कौन सी हदीस में? नंबर तो नहीं दूंगा, हदीस दे दूंगा आपको। जैसा पहले याद रखना जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो मैंने जो नहीं कहा और वो मेरा नाम लेके गया, अपना ठिकाना जमा। हाँ बिल्कुल, गुस्से के वर्ड है। वो टेंशन मतलब वो गुस्से के वर्ड है। हर चीज सराह से नहीं होती, मानवी भी होती। नहीं गुस्से गुस्से ये जो तुमने अपनी दिमाग चालू चालू किया, हमारे वहाँ पर आयत सराहत भी होती है और मानवी भी होती है। तो सराहत क्या होता है मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, अभी सुन्नत का है मना। जो यहूदियों के हर चीज समझ में नहीं आया, यहूदियों के हर चीज सराहत होती, वो मानवी नहीं मानते। अच्छा एक हदीस और सुन सकते हो साहबा की जो समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या कहा अल्लाह के नबी ने? इंसान बड़ा झगड़ालू है, मतलब हाथ। हाँ इंसान बड़ा झगड़ालू है। आयत दे दो यार, इंसान बड़ा झगड़ालू है। अब ये देखो ये कुफारों के लिए आयत उतरी थी, ठीक है। अल्लाह के नबी कितना नाराज हुए, क्या हुआ? वो आयत पढ़ के चले गए वहां से, ठीक है। फिर फिर क्या हुआ? क्या हुआ इसे, क्या मुराद क्या लिया आपने? समझ समझो ना, किसकी समझ का क्या लिया, मुराद क्या लिया, ये तो बता दो मेरे भाई। इससे आपने क्या अली को खारिज कर दिया आपने? अरे भाई समझ की बात हुई ना, उन्होंने जो बात समझी तो गलत समझ की है ना। अल्लाह के बंदे साहबा कैसे समझ रहे हैं वो खुद आप बता रहे हो। हाँ तो मैंने अली भी गलत समझ सकते हैं, अली भी गलत समझ सकते हैं। तो इससे समझ के तो इनकार नहीं ना, बात तो समझ की चली। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि साहबा की समझ नहीं लो, साहबा की समझ मत लो। जब साहबा ही की समझ ली जाएगी तो समझ लो सिर्फ रसूलुल्लाह की, समझ लो सिर्फ रसूलुल्लाह की। कैसे ली जाएगी बताओ? मैं रसूलुल्लाह समझा रहे कैसे कैसे? एक आयत उतरी। हाँ चलो हटाओ साहबा को, अब दो मेरे को। चलो साहबा को हटाओ, आयत उतरी। सुनो सुनो, सुन रहे हो? अरे सुनाओ तो सही। कुरान की आयत उतरी कि जिन लोगों ने ईमान के साथ जुल्म नहीं किया वो लोग कामयाब होंगे। साहब साहबा खड़े हो गए, साहब अल्लाह के रसूल कौन है ऐसा जो जुल्म नहीं करता है? तो अल्लाह के रसूल का यहाँ जुल्म से मुराद यहाँ नहीं है वो, यहाँ है वो सूरह इसकी लुकमान की आयत, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क ला जुल्म नज़ीम। यहाँ शिर्क, यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है। साहबा को समझाया गया है? हाँ तो समझाए ना, हमने कहा मना किया। तो किसकी आप इनकी कहा, आप इनकी किने की मत समझो। हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की बात समझा, रसूलुल्लाह ने ये कहा। ये सहाबी का अमल भी लेते हो क्या? अरे भाई सहाबी की समझ, इसका रिकॉर्डिंग चालू है, सहाबी का अमल भी लेते हो? बिल्कुल लेते हैं, उनका कॉल भी हमारी भी हो जाते हैं। कुर्बानी कब करते हो? भी हमारी भी हो जाते हैं। कुर्बानी कब करते हो? ईद से पहले, नमाज से पहले, बाद में? बाद में। हेलो एक साहबी ने इससे पहले कर दी कुर्बानी, कैंसिल कर दी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साहबा की समझ ले लेना भैया। नहीं नहीं वो साहबा की समझ नहीं है, जिसपे अल्लाह के नबी की मोहर हो, ठीक है। दाढ़ी के बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी की दाढ़ी के बारे में क्या हुक्म है? दाढ़ी छोड़ो छोड़ो पक्का? हाँ काटने का? काट भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। बिल्कुल पक्का? पक्का। कितना कुछ हदीस से साबित करो रसूल। गैर फितरी दाढ़ी, जो दाढ़ी गैर फितरी वो काट सकते हैं। जैसे जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने काट के बताया, एक मुश्त? एक मुश्त नहीं, सीने से, सीने के बराबर, सीने के बराबर एक मुश्त है वहाँ पे। एक मुश्त नहीं होता, एक मुश्त है।
सीने के बराबर दाढ़ियां होती है जो आम सबकी, जैसे सबके हाथों में पांच उंगलियां होती है ना, सुनो सबके हाथों में पांच उंगलियां होती है मेरे दोस्त, वो हाथ में पकड़ लेते थे, हदीस के वर्ड है, हाथ में पकड़ के बाकी काट देते थे, जैसे नहीं पकड़ते थे वो, आपके जैसे नहीं पकड़ते थे, तो कैसे पकड़ देते? फितरी और गैर फितरी का फर्क है, फितरी और गैर फितरी ना, वो यहाँ हदीस के वर्ड है, फितरी और गैर फितरी समझ रहे हो, एक मुश्त में पकड़ लेते, हाँ फितरी और गैर फितरी समझ रहे हो, अबे यार वो ब्रेलवी देवबंदी तेरे तरह ही करते हैं, आज कटिंग पे आ गए, एल हदीस की लंबी लंबी दाढ़ी है जो बंबई में तुम्हारा एक बहुत बड़ा इमाम दाढ़ी होगी, उसको कटवाओ जाके पहले, जवाब की नहीं, फितरी और गैर फितरी, एल हदीस आप इतने रिकॉर्डिंग पे ये कहें ये दाढ़ी एक मुश्त काट सकते हैं, रिकॉर्डिंग में बोलो, मैं एल हदीस के जो बहुत सारे घूमते हैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ गैर फितरी दाढ़ी काट सकते हैं, एक मुश्त वाला हदीस के वर्ड वाले बोलो, अब्दुल एक मुश्त से मुराद सीने से नीचे जो दाढ़ी जाए वो काट सकते हैं, उस हदीस में सीने का लिखा हुआ है, अरे फितरी बात है उसमें, अरे फितरी फितरी जो हदीस बोल यार, अरे तू बहुत फितरत पे है, आज तेरे को समझ में आ गया, बात करना कितनी करते हैं, खाली टाइम पास के रिकॉर्डिंग करके भेज दे, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, आप चार उंगलियां हैं और एक अंगूठा, एक अंगूठा यानी पांच हो गया, वो हो गया, छठी अगर आ जाए, अगर छठी तुम्हारे पास आ जाए तो क्या करोगे, छठी कहां से आ जाएगी यार, ये कहां से लाएगी, छठी आती नहीं लोगों के हाथ में, अबे अल्लाह के बंदे कॉमन बात करना, तो यही तो बोलो, फितरी और गैर फितरी समझ में आया क्या, कि सबको पांच ही आती है, ऐसे दाढ़ी सबकी सीने तक ही आती है, किसी किसी की लंबी हो जाती है, ना 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 यार जो हदीस के वाले ना वो सीने के नाम ही नहीं कही है भाई, तुम नहीं समझे, फिर ऐसे हदीस के नाम बता दो मुझे, आप मुझे सीने का नाम बताओ, बात समझ में आ गई, हदीस के नाम बताओ, हदीस के नाम बताओ, सीने पे वहाँ फर्क फितरी और गैर फितरी का है, तुम्हें इतनी लंबी जुमले में समझा दिया, तुम्हारी पूरी किताब की बहस को मैंने एक जुमले में समझा दिया कि वो एक मसला फितरत और गैर फितरत का है, सहाबा ने जो काटे हैं वो गैर फितरी है और नबी ने जो हुक्म दिया वो फितरी है, कि दाढ़ी को बढ़ाओ छीलो मत मूंडो मत, ये फितरत है कि जो तुमको अल्लाह ताला ने सबको देते हैं इंसानों को, ये इंसान की दाढ़ी क्या तकलीफ है कि एक हाथ से पकड़ते और काट देते, इज्जत हुई कि नहीं, मैं हदीस हुई कि नहीं, कि सहाबा ने जो काटे वो गैर फितरी काटे, फितरी वाली नहीं काटे, नहीं वो हजर उमरा पे काटते थे, जरा मेरे को भूख बहुत जोर से लग रही है, नहीं भागने की जरूरत नहीं है भैया, खाना नहीं खाया भैया तुम्हारी, अरे भागने की जरूरत, मैं बहुत रिकॉर्डिंग शेयर कर रखी है, भागने वाला भाई भागे तो मिलेंगे, ठीक है कब मिलोगे, कल बात करते हैं, भागो नहीं अभी तो मौका चालू है, बात करेंगे ना, अभी वो हदीस दूंगा जिसमें माविया ना कत्ल करवाता था, वो हदीस दूंगा, अरे फिर भड़ास निकाल लो, भड़ास मत निकालो, वो बागी था बागी और मुनाफिक था मुनाफिक, साहबा इकराम के ताल्लुक से, अरे कोई साहबा ही नहीं, वो साहबा ही नहीं है, देखो साहबा के ताल्लुक से दिल गंदा रखोगे दुनिया, अरे नहीं नहीं है, मैं हदीस दे रहा हूँ आपको, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा ना, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे साहबा को बुरा मत कहो, नहीं साहबा को बुरा मत कहो, वो कौन था, चलो एक आखिरी बात सवाल पूछ के बात खत्म करूंगा, भागने का है, खाना खाने आराम से, कोई साहबी गैर साहबी की बैत करता है क्या, खलीफा मानता उसको, बे यार एक तेरे को समझ में आ रही है, सवाल का जवाब दो, कोई साहबी, ये जो तू भाई समझा रहा है ना, ये एक इस्लाम की मजबूरी थी वहां पे, काई की मजबूरी, क्योंकि ये बदमाश जो है जंगों पे जंग करके मुसलमानों को परेशान हाल कर रखा था, काई की मजबूरी, तो ये क्यों आया समझौते के लिए, किसको, कौन सा ये बागी, ये मुनाफिक, ये क्यों आया था, बदतमीजी नहीं आने में, बदतमीजी करूंगा ना समझ लेना, वो तुम्हारा बारवा जो घर में छुपा हुआ है ना, हक मूंद मूंद के बार भर दिया, उसको कब निकाल लो बाहर, क्या साहबा की बदतमीजी के ना, फिर मेरे को भी, अरे साहबा ही नहीं वो, तू यार जे छोड़ अरे दे, तो वो तुम्हारा बारवा इमाम जो गार में छुप के बैठा है और हगर के गार भर दिया, साहबा की सुन, जो निकाल रहे हो मुझे भी सुन ले, अरे उसकी कटिंग इतनी बड़ी हुई, इसको निकाल के कटिंग कब कर रहे हो, 12-13-14 साल गार में छुपा रहा, मजाक बना दिया तुमने दिन का, मुझे यार मुझे मत सिखा ये चीजें यार, अली से मोमिन रखेगा, मोमिन मुब्बत रखेगा और मुनाफिक रखेगा, बुक ये मुआविया अली को शहीद किए, वही तो मुनाफिक है, मुनाफिक है मुआविया, उन्हीं के शियाओं ने शहीद किया ना, हजरत मुआविया ने थोड़ी किए, हजरत अली को किसने शहीद किया, हजरत मुआविया ने किए, उनके शियाओं ने किए, अरे यार मुझे नहीं मालूम किसने किया, हाँ ये तकिया है, हमको मालूम है शियों का एक अकीदा तकिया नमाज से भी अफजल हो, अरे जब जैसी फंसते ना तो बोलता नहीं, क्या क्या वो अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम हजरत अली का शिया था,
ठीक है, हो सकता है हाँ वो बनू मैया के खिलाफ था, तो जो भी बनू मैया के खिलाफ हुआ ना वो जाके अली बैत का कातिल बना, तो अली के अली से ही मारे वो तो अरे चलो चलो जरा बराबर तुम्हारा जिन जाग गया। अच्छा अली ने फिर नरवान की लड़ाई से जाग गया कल बात, अरे नरवान नरवान से लड़ी जंग,